प्रोग्राम में भलीकार व्यूज़ टाइम सा गड मैं आया अनिल कुमार। नाजरीन, सिंध के वे वजीर मुराद अली शाह है तो असाजे मथों सियासी दबाव पो तो असा जेआईटी जारी की है। अली जैदी गैर जिम्मेदारी मुजाहरों कदे बगैर सही कल जेआईटी की कापी दिखारी, खबर ना है तो हू या जेआईटी किथों ठाए खी आयो है। वे वजीर चो तो मुलजिमन के फायदे पहुँचाने लाए अली जैदी जेआईटी के तकरारी बनाए रो है। अगर अली जैदी के बयान से मुलजिमन के फायदो पो तो कानून उनके खिलाफ़ कार्रवाई कंदो। इन पूरी सूरत हाल से राय मालूम करने लाए जिस पैनलिस्ट की टीम मौजूद है, जिसके ज्वाइन किया है इनाम भट्टी साहब, अमर सिंधु साहब आ, नसीर मेमर साहब ए सुहेल सांगी साहब। मेहमान के भलीकार जी। नसीर मेमर साहब, तवा का शुरुआत क्यों था, ये बुधायो तो गुजर बिन टिन दिन नॉलेज में आए तो उजैर बलोच की जेआईटी से वफाक सिंध में तकरार हले पो। मुझे सवाल तवा का यो आ जेआईटी के तकरार के पो सियासत कड़ी आ? एतरू मुल्क में वाकया थे वा वा वो कमेटियों वो कमीशन ठयू रिवायत आ रिपोर्ट ही सामू न इंदी आ या जो रिपोर्ट इंदी आ तो वो एक्शन को भी नो रिसेंटली शुगर कमीशन की रिपोर्ट से ठो मतलब चवं तो कमीशन की रिपोर्ट के भी चिटो थे घुर्ज पर होलिस्टिक गाल थे ना पॉलिटिकल लीडरशिप के एकड़ी शे में जर गंड दींदा तो इनते सवाल उठंदा। तो चाहत तो इन लीडरशिप के घुर्ज तो सभी जांच कमेटियों के बारे में ये ही सवाल कर घुर्ज। मिसाल तौर शुगर कमीशन की रिपोर्ट जो मू कह वह अली जदी साहब उन पार्टी को सरबराह एम एन ए है जै पार्टी वह वो दवाओं क्यों हाँ उन केर गाले को अली जदी साहब उन पुछे ही को अड़ी तरह बल्दिया फैक्ट्री वाली तेरे सारो माना इंसानी सानियो तो ऐसो अढ़ाई टे सौ मू जेरा साड़न को दुनिया में सोचे सो एडो एडो कहर कें होने जेदी साहब खामोश आ उनते गाल बोल न थो करे हाँ इन गाल छो थी थे जाहिर साफ जाहिर मतलब उन हिमायत ना क्यों इन जो पीटीआई जो ख्याल आको वर्जन है इनमें उ हिस्सा कढ़ाया वा जैमें पीपुल्स पार्टी जो उन वास्तो ेखारे वो तो मजे की गाल तो वर्जन अली जदी साहब पा सामू आंदो उन्हें यो भी लिखो पे पीटीआई उन अजीज बलोच के इन्वाइट कर तू असा शामिल हाँ जी जुल्फकार मिर्जा जो उनमें गांडा को देखा जुल्फकार मिर्जा हिंसर सदन टीम जो हिस्सो आ सो इी अजीब है तो तुम एकड़े हिस्से की तो मुतालबो करी रिपोर्ट तेजे भी एकड़े हिस्से के अमल की गाल उनके तफसील की गाल छणी घुर्ज सभी रिपोर्टों की गाल थे सभी पास की गाल थे उनमें एक एक लिंक जैसे जैसा उन सभी एक ही मौकफ हुजन घुर्ज। बदकिस्मती से क्राइम की पैटर्नाइजेशन रुगो पॉलिटिक्स नी कर कई इतने सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जे क्राइम के प्रोटेक्ट कन था उ मू ए सगारा मिसाल तौर कंखे याद आ राव अनवार अज किथे आ या एतरो अर्सो अजीज बलोच जो हो वो किथे हो कंजी कस्टडी में हो कं वट हो छो रिलैक्स हो या यो जैसे सब कुछ कहीं पे बब सौ कत्ल पे थे मू एडो तेज हो कानून जहा इदारा मिसाल तौर सिंध में वी पवी साल रेंजर्स है जो हुकूमत सिंध खर्च दी माना सिंध जहा मू टैक्स में टैक्स के वसीले खर्च दींदा पर यो मू कत्ल कह रो घुम रो मजे से दियारी में उनो हाकिमत हुई वेठो उनके कें कुछ न पे चो सो ये सब मिस्ट्रीज आन हाँ उन सभी जहाँ जर पासा खोलजन तो सभी इदार से सवाल निकरी इंदा सभी पार्टियों से सवाल निकरी इंदा सवाल घना तो इजमाही तौर सभी कजन सजो किस्सो खोलजे तो फायदों रिपोर्ट खणजे उनो हिस्सो खणजे उनमें एकड़ी धुर खणजे तो यह पॉलिटिकल बदलियती थी वी उन फायदो को मुझे ख्याल आ मैं यो चाहो तो सभी रिपोर्टों से ओपनली डिबेट थे यो सवाल भी अली जदी साहब के जरूर बुधान घुर्ज तो जेआईटी की रिपोर्ट ढी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होंगी तमाम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है तो वह कि उनके हथन ती थी असल वर्जन वो हो साबती कान तो असल वर्जन कड़ो आो साबित करो पव किथे न किथे पर यो जेदी साहब के सवाल जो जवाब दियण पव तो एडो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो वो कि हर मू खी कें भी व्हाट्सएप से सर्कुलेट वेठो थे ये मजाक तस्करी वो केर भरोसो कह तो यह रिपोर्ट जेआईटी की वाकई भी वैलिड भी है या न तो सवाल सभी सवाल जवाब अच्छा ठीक है जी। नसीम साहब, अमर सिंधु साहब ये बुधा तो तुम ख्याल है तो जेआईटी तकरार के पो मुमकिन तौर से कड़ी सियासत थी सके थी?
माण के अंदर या का नई गाल कने त एड़े किस्म जी शयो तकरारी खोले उन का पोए के एकड़ी पार्टी या एकड़ी सियासी ग्रुप के टारगेट कयो बने मिसाल के तौर ते ऑफशोर कंपनीज जी जरे गाल आली तदे मल टारगेट नवाज ली गयो जदे त पतो यो पए तो उन में या केड़ा ही जके से सफेद पोशन का नाला या केड़ा ही एड़े जके से रिटायर्ड एदारती माण का नाला है जिन जो भी कें के ऑफशोर्स जो हुई पर हकीकत है तो उनके टारगेट जो एकड़ी पार्टी एकड़ो मानू हुई जैसे टारगेट करे कढ़ भी वो मुमकिन है तक अली दीदी की मूव है उन मूव के पुठा उनकी अड़ी इ नीयत शामिल हुए कड़े भी तरीके से पार्टी के टारगेट करे उनके सो घर जो रस्तो देखार वे बाकायदे माना जो बार बार जो सुप्रीम कोर्ट के अपील है वह गाल समझ में इन कर अचे जैसे सुप्रीम कोर्ट के अपील है मूँ जो कल जो जुटल पड़ा मैं हैरान थी गई आया तो जीआईटी जो नसीर साहब भी चो तो जीआईटी जो जिक्र है तो जीआईटी वो बल्दिया वाली छो न अचन खे जीआईटी रुगो जो ही छो जाहिर थियन खे बल्दिया वाली जो जीआईटी है उनमें सभी जो धुरू सभी जो सियासी जो पार्टी है वह खुद जो हुकूमत के अंदर वेठी है विफाकी हुकूमत के अंदर वेठी है उनकी पावर की भाई भाई वाला है उन पर सवाल उठाने के बजाय जीआईटी से अच्छा चलो उन वही अचूं था जीआईटी जाहिर थी है अलीगढ़ ई में अलीगढ़ जीआईटी रिपोर्ट दी है उन सिर्फ चार जो उन्होंने सिग्नेचर्स चार मणन जहा उ चार मू के उ चार मू रेंजर्स वा उनमें एम आई शामिल है आईएस आई शामिल है एफ आई शामिल है हाँ ये चार उ जैसे असं चूं था एजेंसी शामिल है सिर्फ उन्होंने नाला है जैसे तो सिंध गवर्नमेंट के पारा या जो पुलिस है या उनकी इदार थी छो तो हि सत्तन जीआईटी ठही हुई वह सत्तन मेंबर की ठहल हुई सत्तन मेंबर में सिर्फ चार उ मू जो उन्होंने सही से जैसे जीआईटी की रिपोर्ट मिली है उनकी शूं बिन टिन जो शूं गायब आ अच्छा बी सिंध गवर्नमेंट के पारा जो जारी कई है उनमें सभी की शूं शामिल है उनमें का भी सही जो मिसिंग कान हाँ सवाल यो पैदा थो तो जीआईटी की रिपोर्ट जो अलीजेदी वट आयल है वह अलीजेदी रिपोर्ट आयल है उनते हुकूमत के उन टाइम से जीआईटी के बिन मेंबर शू छो को नंबर वन नंबर बी गाल है तो जवन ये चीजें तो यहाँ पर रिपोर्ट सिंध गवर्नमेंट जाहिर कई है उन रिपोर्ट में तो इन चार मेंबर तो उनके इख्तलाफ जे तो उनके ये लगन हो जो इनमें सियासी गवर्नमेंट के बचाने की कोशिश कई वही है करे जैसा उन्होंने इख्तलाफ कर उन्होंने पाली का अलग रिपोर्ट दिनी जो पर सवाल यो पैदा थो सिंध गवर्नमेंट जो इश्यू कई है उनमें सत्तन जन माना सलू शामिल या तो जैसे क्रेडिबिलिटी के सवाल अचे तो माना वे अफसोस से चवण पे तो ही सिर्फ रुगो सिंध हुकूमत न पर पाकिस्तान के हर सेंसिटिव इदारे की कारकर्दगी क्रेडिबिलिटी के बारे में सवाल उठे तो उड़े कंट्रोवर्शियल इन डॉक्यूमेंट्स से कंट्रोवर्शियली जो दुरुस्त हैं छाकाणि त माना अञा त इहो बि साबित थियणो आहे त जेकॾहिं जेका दुरुस्त आहे उनजी जेका असां अलीगढ़ जी पेश कयल त पोइ हिकिड़े ई डॉक्यूमेंट ते हिकिड़ी ई जीआईटी जूं ॿ रिपोर्टूं कीअं आहियूं नंबर वन इनके भी इन्वेस्टिगेशन थियन खपे जेकर थियन जेकर अणधुरी थियन खपे एकड़ी है कें लाइणो है कें हलो है कें सजा दियणी है वो तो इन इल्जाम की भी जरूरत को माना ही घर मोकले छो माना पाकिस्तान में यो को का वही गाल कान्ने का माना नई गाल कान्ने पर हकीकत मां समझा थी तो अलीजेदी सिंध गवर्नमेंट या उनमें मलवस पीपुल्स पार्टी के माणन का जैसे जैसे कंट्रोवर्शियल ठाया है वो खुद माना इदार की जो मौजूदगी उ इदारा जैसे आंगुर खड़े सभी मानन के सौ दफा सोचना पे तो उनकी क्रेडिबिलिटी से क्यों सवाल खड़े पर जीआईटी रिपोर्ट जो उन्हें पेश कई है उनमें बड़ा नाला मिसिंग है अधूरी है जो सिंध गवर्नमेंट पेश कई है उनमें पूरा नाला सो मां ये समझा थी सियासी मूव है जैमें उन्होंने कोशिश कई है तो पीपुल्स पार्टी के फसाने की कोशिश कई वे अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अंदाजा न हो तो जीआईटी की रिपोर्ट जो पीपुल्स पार्टी की जाहिर कभी सियासी मूव है जैमें हू पीपुल्स पार्टी के फासण की कोशिश कर रहा है जी सुहेल सांगी साहब जीआईटी के तकरारी बनाने के लिए पोया जो सियासत है वह कड़ी थी सके थी सियासत में एक है वह यह है
ही जो खंड शुगर कमीशन वाली रिपोर्ट हुई उनके मुकाबले में इन्हें ये मामलो उठारो भाई तुम शुगर कमीशन वाली रिपोर्ट उन्हें सा मू हथ खी वन तो ही तक हथ खी की तो गाल बी गाली है तो खुद इन्हीं जो इन जो अली जैदी है इनकी तो मिनिस्ट्री को जो मिनिस्ट्री है वो तक फेडरल गवर्नमेंट जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उन्हें जो इशू है ना यो मसलो यो है जैसे फेडरल गवर्नमेंट को मसलो कर चाहे थी वाकई जो इशू है चाहे थी तो यकीन फेडरल गवर्नमेंट वट या कापी होंगी ना तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के मानू छो नो चे या यो तो इंटीरियर मिनिस्ट्री सिंध गवर्नमेंट के कोई लेटर लिखो तो भाई तुम रिपोर्ट के पब्लिक कर या इनके अस पब्लिक कर वगैरह वगैरह तो यो टेक्निकली लीगली इनकी को हैसियत को इन कर प्योरली मतलब पॉलिटिकल इशू आ इनमें साफ जाहिर है हाँ जैसे इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके सिंध गवर्नमेंट के लिखो है सिंध गवर्नमेंट के बीच में का अड़ी का करेस्पॉन्स थी है जो थी हुई तो यकीन अली जैदी या बे कें साहब के तरफा इनको इजहार थे बे नंबर से जो गाल है तो इनका अग में पॉलिटिशियंस के यो बे शो उनके इलान तह दिनों तो भाई करप्ट ये इनमें सलाहियत को अहलियत को वगैरह वगैरह हाँ एक खातो खोल था चाहन तो ये जो इन क्राइम रिलेटेड वो कनेक्शन ये जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी के पार्ट मतलब कि ये पुरानी जो सभी थ्यूरी हली तो जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके ये आर्म्ड विंग्स ये हथियारबंद जो इन वगैरह वगैरह ये सजे मामलो तरफ जोड़े एक मतलब अगेन ओवरऑल एक पॉलिटिकल पार्टियों या जो सिविल सोसाइटी है सिविलियन धुरियन उन्होंने एक बो जो इलाम करण विजन की गाल टे नंबर से जो इनमें गाल अचे थी वह खुद यह अचे थी जो कल पा डिस्कस कई थी पे वह है तो कें न कें तरीके से पीपुल्स पार्टी के एतरो ही पे थे इनमें मतलब उनको मीडिया ट्रायल किया वे जो वह गाल इन वे जो इलेक्शन से हथ खी वे उनकी पोजिशन पब्लिक में वीक थी सके उनके जो मांग में सपोर्ट मिले थी वह वीक थी सके वह जो वीक थी तो जाहिर है उनके सौदो थो तो पीपुल्स पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन वन या मे बी आशीष जरदारी के जो चार्ज क्रेम कर वन पा 14 तारीख से उन्हें को तकड़ में फैसलो को केस हल तकड़ में का चेक कर चाहिंदा हुजन तो यो ओवरऑल इन पॉलिटिकल पर्पज है उनको को भी जो वाकई को दोहन के रोक कर या कोई उन्होंने शयन के पदरो करना है उनका को उनको को तल्लुक को अड़ा ही जो ये हो तो जो सब का पैरी इन एक्शन वन जो इन पान जो शुगर कमीशन थी इन वन उन्हें कुछ को लाइफ भाई जो पी आई ए वो हादसो थे उन्हें जो रिपोर्ट आई है उन्हें प्रैक्टिकल कुछ को जो क्यों से यो क्यों से सभी चार जैसे ग्राउंड से बीठा सजो जो इदारो जो बिरे पे पीपुल्स पार्टी की पोजिशन के वीक करने तकरारी बनाया है तुम्हारा क्या ख्याल है जी आई टी तकरार के पोयों कड़ी सियासत है मुख्य तो अनिल अन्या सवाल है आऊं तो ये तो समझा तो बई जी आई टी सचू उन्हें भी सची है तो उन्होंने भी सची है जैसे जितना वणे जैसे सिटू गायब कर छे जैसे पसंद जहाँ उनमें नाला विझणा होजन वो विझी छे जैसा कढ़ा होजन कढ़ी छे मुझो सवाल यो है तो जैसे जी आई टी थी इतने तो आम थाने जैसे चोर बदजी इंदो तो उन एकड़े चोर के पुठियां जैसे वो पी तफ्तीश में बिहार नाला खणंद तो पुलिस उन बाकी बेन सभी के गेले अची कर उनमें जो है सो जवाबदार तौर पर पेश की तो ये जी आई टी कड़े किस्म की आ जैमें जैसे एतरे किस्म की सभी जहाँ नाला उन सजो शायदियों सब शन अज दिन ती का नजर तो को आई है तो कोई एक्शन थो तो मुख्य यो तो लगे या तो ये बई जे आई टी सचू हैं हाँ उनके तकरारी बई धुरू मिली कर गजी बणाए मानुन जो ध्यान हटाए उनके लय मिटी कर चाहन या तो उई जे आई टीज कूड़ू आन असल जो अदालती बयान होंद जो ओजेर बलोच जैसे कोर्ट में उत पेश शीद तो मुख्य तो यो तो लगे तो इन वक्त ती उ इदारा जिन जे आई टी में शिरकत कई जिन उनका पुछा गाछा कई उन पुछा गाछा में जो भी शूं सामू आयु उन एक्शन केतरो थो उन पुछा उन फॉलोअप केतरो थो
छा ही जेआईटी का के फिल्म लिखण जे लाइ आहे, का ड्रामे लिखण जे लाइ आहे, या को हिकिड़ो सोप सीरियल जेको आहे सो अॻिते हली करे ठाहींदा, जंहिं ते जेको आहे सो ही उन जे करे जेआईटी पधरी कई वई आहे। हीअ कानूनी इदारा, हीअ कोर्टूं, उहे सभु जेकॾहिं उज़ैर बलोच एतिरो ॾोही आहे जेको पाण जेकॾहिं उहे शयूं बासे थो, त पोइ उन सां गॾु जेके उन जा ॿिया नाला जंजा बि हू खणे थो, पोइ उन में भले मुराद अली शाह ऐं वहाब मुर्तज़ा वहाब जेको आहे सो हिकिड़नि नालनि खे लिकाए ॿियनि खे पधरो करे, ऐं वरी अली ज़ैदी हिकिड़नि खे लिकाए ॿियनि खे पधरो करे, त असुलु मसइलो इहो आहे त इहो कूड़ आहे या सच आहे। या त उज़ैर बलोच सॼो कूड़ आहे, हुनजी सॼी जेका जे आई टी आहे उहा कूड़ी आहे, या जेकॾहिं उज़ैर बलोच सच आहे त पोइ हीउ छा असां सभिनी खे ख़बर कोन्हे त माज़ी में उज़ैर बलोच कंहिंसां कंहिंसां वाॻियल हुयो, कंहिंसां लाॻापियल हुयो, कराची में छा कुझु थींदो हुयो, ऐं हुनजे पुछां कंहिंजो हथु हुयो ऐं कंहिंजी सरपरस्ती हुई। त इहे सभु शयूं असुल में मूंखे इहो थो लॻे त हीअ ॿई धुरियूं गॾिजी करे हाणे अवाम खे बेवकूफ़ बणाइनि थियूं, ऐं न रुगो इहे ॿई धुरियूं पर हिन सां गॾु हिननि जा सपोर्टिव इदारा जे आई टी में उहे शामिलु जेके धुरियूं आहिनि उहे बि हुन में शामिलु आहिनि। ठीकु आहे, इनाम भट्ट साहिबु, तव्हांजो मौक़िफ़ु अची वियो। नसीम अहमद साहब, अगरि जे आई टी में वाक़ई कुझु बि न हुयो ऐं पी पी क़यादत जो ज़िक्र न हुयो, त पोइ अदालती हुकुम जे बावजूदु 2.5 सालनि ताईं सिंधु हुकूमत जे आई टी खे पधरो छो न कयो? मूं पहिरें बि इहा गुज़ारिश कई त हिते त कमीशनुनि ऐं कमेटियुनि जो हिकिड़ो वॾो अंबार रहियल आहे, ऐं उहे रिपोर्टूं ठहंदियूं आहिनि, उहे रिपोर्टूं स्टोर रूम में पयूं हूंदियूं आहिनि, ऐं हीअ बि थोरो तव्हां पोलिटिकल बटन जो ॾिसो था, हिन खां पोइ छा थींदो इहा मूंखे ख़बर कान्हे। अॼु ताईं मूं कंहिं कमीशन ते को एॾो एक्शन थींदे, फॉलोअप थींदे कोन ॾिठो आहे। हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि ध्यान में रखिजो, छो लिकाए रखियनि या छा, हाणे उन जा कई पासा न, हाणे त जेका रिपोर्ट साम्हूं आयूं आहिनि उन में जेकर साम्हूं अची वञे आहे त पोइ सभई हिक जेतिरा कटड़े में आहे, ऐं उहे जंहिंजा नाला न आहिनि सुवाल उन्हनि ते पुछण लॻंदा। छो त इहो ध्यान में रखो त जे आई टी जी रिपोर्ट ते अदालत सज़ा कोन ॾेई छॾींदी आहे। जे आई टी त हिकिड़ी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आहे, इन जे बेसिस ते कोर्टुनि में केस हलंदा, जॾहिं कोर्टुनि में केस हलंदा त पोइ जेको जीअं थाणे जे अंदरि जेको एतिराफ़ थियल हूंदो आहे उनजी कोर्ट में हैसियत न हूंदी आहे, जेसिताईं कोर्ट जे अंदरि उहो साबित न थिए। सो हीअ जेके रिपोर्टूं तव्हां रुगो ही त तव्हां चओ था जीअं त भई एतिरो वक़्तु रखियल हुई, पर मूंखे ॿुधायो त इन ई निज़ाम जे अंदरि ही पंहिंजो बलजा फैक्ट्री आराम रा कीअं निकिरी आहे? बलजा फैक्ट्रीअ जी रिपोर्ट मां उन वक़्त जे सिंध जो गवर्नर जो नाले ते केरु हाणे पुछे ई नथो, उन जा जेके एग्ज़ेप्ट ॿाहिरि आया उनमें त सिंध जो उन वक़्त जे गवर्नर जो नालो हुयो। सो हथ चुरांदो त हड़नि ई रिपोर्टुनि सां पए थी थिए, ऐं इहो रिपोर्टूं इहो ज़हन में रखिजो त हेॾो होस्टाइल इन्वायरमेंट आहे जो सिंध गवर्नमेंट रुगो पंहिंजे जाइज़ आइनी हक़नि जे लाइ वठे थी ख़त लिखंदी, उन ते ई रुगो कोरोना जे इलाज जे मसइलनि ते वफ़ाक हुन सां जेको अजर थो करे, त उते सम्झो था त जेकर सिंध गवर्नमेंट एॾो वीकर हिननि खे वॉली ठाहे ॾींदी ऐं केरु हिट न कंदो। मूंखे ख़बर न आहे त हिन रिपोर्टुनि जे पुठियां ॿिया कहिड़ा माण्हू आहिनि, 2.5-3 साल कंहिं कंहिं वटि इहे रिपोर्टूं किथे रिकियल रहियूं, इहे माण्हू कंहिंजा महिमान हुया, ऐं ॿिया जेके अक्यूज़्ड आहिनि उहे मुल्क मां कीअं छॾे हलिया विया? भला जॾहिं हिन जा एग्ज़ेप्ट जॾहिं आया उनमें कई माण्हुनि जा नाला जेके मुल्क खां ॿाहिरि निकिरी आया, उहे कीअं टपी आहे मुल्क जी, उहे छो न एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट ते आया? मां गुज़ारिश थो कयां त ही एॾा वॾा ऐं एॾा घणा पासा निकिरी पवंदा जो अली ज़ैदी साहब रुगो हुनजे हिकिड़े पासे जे बि हिकिड़े हिसे खे खणी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थो, पर हिननि सभिनी खे जेकर ही मुल्क सां सिंसियर आहिनि त रुगो ही टे रिपोर्टूं न, माज़ीअ में ॿिया वॾनि वॾनि मामलनि ते कमीशन उहे रिपोर्टूं ठहियल आहिनि जिन सभिनी खे पब्लिक थियणु घुरिजे, उन्हनि सभिनी ते उहे सभु बहस थियणु घुरिजनि, सभिनी ते इहे सुवाल निकिरणु घुरिजनि। सो इन जे करे हीउ पॉलिटिकल मोटिव इहो आहे त रुगो हिकिड़ी धुर खे हिकिड़े हिसे में कंट्रावर्शियल करे छॾियो ऐं बाक़ी सभिनी खे तव्हां ट्रक जी बतीअ पुठियां लॻाए छॾियो। मां कदम नथो चाहियां त पीपल्स पार्टीअ में जेकर हुन ते इल्ज़ाम आहे त उहा हुन खां परी थियो, उहो त अदालत में वञी पार्टी हुन जा माण्हू पाण साबित कंदा, पर पॉलिटिक्स जो तक़ाज़ा इहा आहे त जेकर तव्हां हिन सॼे मामले में सीरियस आहियो त पोइ रुगो हिकिड़े कंपोनेंट हिकिड़े टुकड़े खे न खणी वियो, पोइ तव्हां ओवरऑल बिगर पिक्चर सॼी रिपोर्ट ऐं सॼे पैराडाइम खे खणो, सभिनी पासनि खे खणो, सभिनी धुरियुनि खे खणो, त जीअं सभई हक़ीक़तूं साम्हूं अचनि तॾहिं वञी हिन जो कोन साफ़ पल पवंदो, तॾहिं को इन रिपोर्टनि जो फ़ाइदो थींदो सोसाइटी खे, अदरवाइज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसूं थींदियूं, ॿियो कुझु कोन थींदो, ॿिनि टिनि ॾींहनि खां पोइ हिकिड़ो ॿियो वाक्यो थींदो, जीअं अॼु तव्हां खां शुगर ऐं अटे जी रिपोर्ट विसरंदी पई वञे, जीअं तव्हां खां PIA जी ॻाल्हि विसरंदी थी वञे, ॿिनि टिनि ॾींहनि में का ॿी ॻाल्हि थींदी, वरी ॿियो ॿियूं प्रेस कॉन्फ्रेंसूं शुरू थींदियूं, हीअ बि कंहिंखे यादि न रहंदी। ठीकु आहे जी, अमर सिंधु साहिबु, अगरि वाक़ई जे आई टीअ में कुझु बि न हुयो ऐं पीपल्स पार्टी जी क़यादत जो ज़िक्र बि न हुयो,
तो सिंधु हुकूमत 2.5 साल गुजरण के बावजूद ए कोर्ट के हुकुम के बावजूद भी इनके पदरो छो न कयो? ॾिसो हाणे मूंखे ख़बर त न आहे वधीक, पर हक़ीक़त इहा आहे त इहे कुझु जे आई सी रिपोर्टूं अहिड़ियूं ठहंदियूं आहिनि जंहिं खे चयो वेंदो आहे त कॉन्फिडेंशियल आहिनि। कॉन्फिडेंशियल मतिलबु इहो आहे त उनमें कहिड़ा माण्हू इन्वॉल्व आहिनि ऐं उन्हनि कहिड़नि माण्हुनि माना उहा जेका गैंग वार हुई, ख़ासतौर ते हीअ जेका जे आई सी रिपोर्ट हुई उहा गैंग वार जे बारे में आहे। ऐं ॿियूं बि जेके जे आई टी रिपोर्ट्स हूंदियूं आहिनि उहे घणपा सां हूंदियूं आहिनि, उन में मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जी इन्वॉल्वमेंट हूंदी आहे। कॉन्फिडेंशियल इन करे चयूं वेंदियूं आहिनि जो उन वक़्तु जेके इदारा तफ़्तीश करे रहिया हूंदा आहिनि उन्हनि जो बि चवणु ईंदो आहे त इनखे तेसि ताईं डिस्क्लोज न कयो वञे जेसि ताईं उन्हनि जा सभु जवाबदार या सभु उन में मुलवस माण्हू उहे पकड़जनि नथा, उहे कानून जे उन हथनि हेठि नथा अचनि। कल्ह वज़ीर आला साहब जो चवणु इहो, कल्ह न बल्कि अॼु वज़ीर आला साहब जो चवणु इहो हुयो जेको हिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हिन में इस्लामाबाद में कई, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस न हुई पर प्रेस सां जेका हुनजी गुफ़्तगू हुई उनमें हिनजो चवणु इहो त कोर्ट जा ऑडर हुआ त इनखे जेका असां पधरो न कयो वञे। हाणे ख़बर न आहे त जेको दुरुस्त आहे या ग़लति आहे, पर उनजो चवणु इहो त जेको सियासी दॿाउ असांजे मथां एतिरो आयो त इन करे असां पधरे करण ते मजबूर आहियूं। ऐं हक़ीक़त में इहो थियो आहे त सियासी दॿाउ हिकिड़ी जेका असां जी आई टी रिपोर्ट्स जे बारे में आयो ऐं सिंध हुकूमत पंहिंजे पाण खे सियासी तौर ते आजो करण जे लाइ इहे कई रिपोर्टूं जेके आहिनि ख़ासतौर ते हू जेका उन वारी टे रिपोर्टूं आहिनि, टई रिपोर्टूं हिननि ज़ाहिर करे छॾियूं आहिनि जंहिंमें पिण जेका असां पीपल्स पार्टी जी क़यादतनि ते छंडा पियल आहिनि। इहा ॻाल्हि न आहे त जेका असां जेकॾहिं आसिफ़ ज़रदारी या फरियाल या ॿी कंहिंजे जेको सो डायरेक्ट नालो न बि हुजे, पर हक़ीक़तनि जेके आहिनि से उन्हनि में आहिनि। पर वॾी ॻाल्हि इहा आहे त जेका जेका बल्दिया वारी जेका रिपोर्ट आहे उन ते केरु बि कोन थो ॻाल्हाए पियो, छाकाणि जेका असां उहा हुकूमत में वेठी आहे। नंबर ॿी ॻाल्हि आहे त जेका पार्टी में हाणे जेका जेका ज़ाहिर थी आहे उनमें ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो कहिड़ो किरदारु बीहे थो, ऐं जेका ॿी जी आई टी आहे उन में बि ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो कहिड़ो किरदारु बीहे थो, ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा हाणे हुन में वेठो आहे, त चयो इहो वञे थो। हाणे इहा ग़लति आहे या सही आहे, पर जेका एक्सप्लेनेशन ॾिनी वई आहे उहा इहा ॾिनी वई आहे त इहे जी आई टी रिपोर्ट्स कोर्ट जे ऑर्डर जे करे ऐं पंहिंजी सेंसिटिविटी जी जेका लेवल जे करे उन्हनि खे ज़ाहिर न कयो वेंदो आहे। पर हक़ीक़त में असां इहो सम्झूं था त जी आई टी रिपोर्ट्स में छाकाणि त सिटिंग जेके गवर्नमेंट्स या सियासी धुरियूं आहिनि उहे धुरियूं जेके हिकिड़नि जूं या ॿियनि जूं दादलियूं हुजनि जंहिंमें जंहिंजे मथां एस्टैब्लिशमेंट जो हथु रहियो हुजे। मिसाल जे तौर ते एम क्यू एम आहे, एम क्यू एम खे अॼु ॾींहं ताईं कंहिं जेको असां कटड़े में कोन बीहारियो आहे। हीअ त जी आई टी रिपोर्ट जेका असां परे जी ॻाल्हि आहे, तव्हांखे 12 मई विसरे थो छा? 12 मई में जॾहिं एतिरा माण्हू मरी विया तॾहिं महिल शाम जो जेको आहे जनरल मुशरफ थो चवे थो त इहा ॾिठी अथव अवामी ताक़त, त उनजो मतिलबु इहो आहे त अवामी ताक़त जे सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस खे अचणु न ॾियो कराची में, त मतिलबु इहो आहे त जेका एस्टैब्लिशमेंट खां वेंदे जेके हुकुमरान जेका रूलिंग लीग आहे जेके रूलिंग पार्टीज़ आहिनि उन्हनि खे किथे न किथे उन्हनि जा हिक ॿिए सां मफ़ाद माना ॻंढियल हूंदा आहिनि ऐं उहो मुकमल तौर ते एक्सपोज़ बि न कंदा आहिनि। जी आई टी ठहंदियूं इन करे आहिनि जे वक़्तनि सां वक़्तनि जी आई टी जे नाले में उन्हनि खे ब्लैकमेल करे सघिजे। तव्हांजो मौक़िफ़ अची वियो जी। सुहेल सांगी साहिबु, अगरि वाकई जी आई टी में कुझु बि न हुयो ऐं पीपल्स पार्टी जी क़यादत जो ज़िक्र बि न हुयो त पोइ 2.5 साल गुज़रण जे बावजूदु ऐं कोर्ट जे हुकुम जे बावजूदु सिंध हुकूमतनि खे पधरो छो न कयो? ऐं ॿुधायां थो त कोर्ट जो को अहिड़ो हुकुम कोन हुयो जेसिताईं मूंखे यादि थो पए। ऐं ॿिए नंबर ते ॻाल्हि आहे, जेकॾहिं कोर्ट जो हुकुम हुयो त पोइ त मुंहिंजे ख़्याल में ई उनखे जेको आहे सो करे छॾींदा, बल्कि वॾो वधीक त चवे पियो त भई असांखे कोर्ट जो इहो हुकुम इहो हुयो त तव्हां न कयो। हाणे तव्हां पिया इहो ॿुधायो त कोर्ट जो हुकुम हुयो त भई अली ज़ैदी इन ॻाल्हि जो ज़िक्र कयो त कोर्ट जो हुकुम आहे उनखे पधरो कयो। जी मुंहिंजो ख़्याल में इन बारे में कोर्ट जो को हुकुम कोन हुयो, छाकाणि जी जे आई टी जेका आहे उहा हिकिड़ी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हूंदी आहे, इन्वेस्टिगेशन हूंदी आहे उन टाइप जी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जेका उहा हूंदी आहे ऐं उनखे ज़ाहिर करण न ज़ाहिर करण जो को इशू न हूंदो आहे। उनजो सिर्फ़ु पर्पज़ हूंदो आहे जेको केस ठहंदो आहे, जेको केस चालान थींदो आहे, केस हलंदो आहे उन हथां, वधीक बाक़ी हाणे जेको बि आहे उन में हिकिड़ी पुरसराजियत पैदा कई पई वञे, हिकिड़ो जेको चइबो न तड़को लॻाइण जे लाइ उहो हिकिड़ो मामिलो उन में बणाए पियो वञे ऐं ख़ुदि इहो अहिड़े मौक़े ते पियो थियो कयो पियो वञे जॾहिं इन उज़े बलोच ते केस हलणु शुरू थियो आहे। हाणे इहो ख़ुदि मतिलबु हिकिड़ो वॾो क्वेश्चन मार्क आहे।
केर बदोश थी वो कंहिंजो माण्हू हो छा हो कंहिंजे हथनि में रहियो कीअं थियो इहे त किसा कहाणियूं सभु मीडिया में ईंदा रहनि इन ते पाण हींअर को इहो कोन था ॻाल्हायूं पर इन में इन इहो हिकिड़ो ख़ुदि जेको अहिड़े मौके ते थिए पियो उहो ख़ुदि हुनखे हिकिड़ो फ़ाइदो ॾेई सघे थी. आउं सम्झां थो त इहो सिंध गवर्नमेंट खे को सिंध गवर्नमेंट इहा मैंडेटरी न हुई इन ते लाज़मी न हुई इन लाइ पाबंद न हुई हू को जे आई टी जी रिपोर्ट खे जेको आहे सो पब्लिक करे छो त जॾहिं जे आई टी ठही वई तॾहिं हुनजो को बि इहो मैंडेट न हो त भई इहा जेका आहे पब्लिक कई वेंदी त जेके शयूं पब्लिक करणी हुजनि मिसाल तौर ते हमूद रमान कमीशन रिपोर्ट आहे उहा पब्लिक थियणी उहा नथी हीअ कई आहिनि रिपोर्टूं जेके पब्लिक थियणी उहे नथियूं हीअ त उन सिर्फ़ु उन पर्पज़ जे लाइ त केस आहिनि उन्हनि केसनि जी चङी तरह सां इंक्वायरी थी वञे ऐं उन्हनि जवाबदारनि ख़िलाफ़ु क़दम खणी वञे इन जो वॾो जेको ऑपरेटिव आस्पेक्ट जेको हुयो उहो उन गुज़िरियल जेको आहे साल ॿिनि अढाई साल पोइ ते टाइम जो हुयो उन वक़्तु जेके माण्हू इनवॉल्व हुया उन्हनि खे गिरफ़्तार करे सोगो करे उन्हनि ते केस हलाइण वारो किसो हिन वक़्तु इन जी आई टी जी जेका हैसियत आहे उहा मुंहिंजे ख़्याल में अहिड़ी आहे जो सिर्फ़ु हिक ॿिए ते इल्ज़ाम तराशी करे सघे थी उन जेको ऑपरेटिव आस्पेक्ट हुन में को आहे कोन जी आई टी जंहिं पर्पज़ लाइ ठही उहो ऑल टूगेदर डिफरेंट पर्पज़ ठीकु आहे जी नामबड़ी साहिबु छा चवंदा तव्हां त अगरि कुझु बि न हुयो जी आई टी में त पोइ अढाई सालनि ताईं पधरो छो न कयो वियो हुनखे सिंधु हुकूमत तर्फ़ां जी नामबड़ी साहिबु अचे थो अनिल जी जी हा त मुंहिंजो पहिरीं ॻाल्हि त इहो चवणु त पीपल्स पार्टी या जे आई टी रिपोर्ट पधरी न कई त आउं इहो थो सम्झां त उहे इदारा जेके जे आई टी में शामिल आहिनि जिन इन्वेस्टिगेशन कई आहे उन्हनि जो ख़ुदि जेको आहे सो इहो इरादो हूंदो थी आहे जे आई टी पब्लिक न थिए हीअ त अली सैदी कोर्ट में वियो हुजे बलोच वारी जे आई टी खे खणी करे ऐं जंहिंखां पोइ कोर्ट इहो ऑर्डर ॾिनो त जे आई टी जेका आहे सा उज़ैर बलोच वारी पधरी कई वञे जंहिंजे नतीजे में ही वरी ॿियूं सभु जे आई टीज़ अचणु शुरू थी वियूं आहिनि. मुंहिंजो इन ते वरी बि इहो ई सुवालु आहे त जे आई टी पधरी करणु एॾी अहम कोन्हे छाकाणि त इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जेके हूंदियूं आहिनि उहे पब्लिक करण जूं न हूंदियूं आहिनि उन्हनि ते का फिल्म न आहे ठाहिणी उन ते का असांखे डॉक्यूमेंट्री न आहे ठाहिणी को उन ते टीवी ड्रामो न आहे ठाहिणो पर उन ते फॉलोअप एक्शन घुरबल हूंदो आहे त जेके धुरियूं जिन जे आई टी कई उन्हनि फॉलोअप एक्शन में छा कयो हींअर त पुछाणो इहो करणु घुरिजे त जे आई टी में जेके शयूं आहियूं भले चाहे उहो अली ज़ैदी थो चए या जेको मुराद अली शाह चए थो उन्हनि जे फॉलोअप एक्शन में छा थियो या त या जे आई टी में उहे जेके बि उन शयूं तस्लीम कयूं या जेके ॿियनि जे बारे में जेके ॻाल्हियूं कयूं त सरकार या त इहो चए त उहे शयूं सभु उज़ैर बलोच असां सां कूड़ ॻाल्हायो उहे सच न हुयूं वधीक डिटेल में जॾहिं तफ़्तीश में वियासीं त उहे शयूं साबित न थियूं या जेकॾहिं चवनि त न उन ते अञा उहो कमु हलंदड़ आहे जेके बि उन नाला वरिता आहिनि जेके बि धुरियूं उन मुलविस आहिनि उन्हनि खे अञा वधीक कोर्ट जे कटहरे में हाणे पेश कयो वेंदो त मुंहिंजो हिन ते इहो आहे त जे आई टी खे पधरे न करण में पीपुल्स पार्टी रुगो शामिलु न आहे पर उन सां गॾोगॾु उहे सभु धुरियूं जिन जे आई टी कई आहे उहे सभु धुरियूं जिन जा उन में जेको आहे तोखे स्टेक्स मुलविस आहिनि उहे उन्हनि सभिनी जो हिन में हथु हूंदो त इहा पब्लिक न थिए ऐं जॾहिं कोर्ट में इहा शइ मामिलो वियो त उन में ऐं ॿी जेका शइ थी आहे त ही जेके पी टी आई जा हज़रात आहिनि उन्हनि खां थोरो मिसमैनेजमेंट थिए थी जीअं पी आई ए वारे पायलटनि जे मामले में बि उन्हनि फ्लोर ते सिर्फ़ु ऐलान करे छॾियो त कूड़ा लाइसेंस आहिनि बग़ैर इन ॾिसण जे त लाइसेंस जारी केरु थो करे छा थींदो ऐं उनजो पुठियां उनजो असरु छा थींदो ईअं ई हिनखे अली ज़ैदी खे मुमकिन आहे त का इंटीरियम जे आई टी जी रिपोर्ट हथु अची वई हुजे जंहिंजे बुनियाद ते ई कोर्ट में वियो हूंदो छाकाणि उन वक़्त में हिनखे नज़र आयो हूंदो त हुन में ही ही नाला मुलविस नज़र अचनि था जंहिंजो हू पॉलिटिकल फ़ाइदो गेन करणु चाहींदो ऐं इहा दरख़्वास्त हिन 2018 वारी इलेक्शन खां पहिरीं दाख़िल कई हुई ऐं उन इलेक्शन जी दरख़्वास्त जे नतीजे में पोइ उहो वञी अॻिते हली करे थियो त मूंखे ईअं थो लॻे त उहे सभु शयूं बजाए जे आई टी पधरी करण न करण वारे मामले जे इन ते बहस हुजणु खपे त इन जी रिपोर्ट जो फॉलोअप छा आहे उन ते एक्शन छा थियो ऐं हाणे फर्दर छा थींदो. ठीकु आहे नामवड़ी साहबु. नाज़रीन, तालीमी इदारा कोरोना वबा सबबु जेके बंदि हुया उनखे सेप्टेंबर जे पहिरें हफ़्ते में खोलण जो फ़ैसिलो कयो आहे. इन मामले ते तफ़सील सां ॻाल्हाईंदासीं हिकु नंढे ब्रेक खां पोइ. असां सां गॾु रहिजो. वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम में, हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार. नाज़रीन, कोरोना वबा सबबु जेके तालीमी इदारा काफ़ी अर्से खां बंदि हुया उनखे सेप्टेंबर जे पहिरें हफ़्ते में खोलण जो फ़ैसिलो कयो आहे. तफ़सील मूजिबि
वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की सरबराही में सूबे के वजीर जो तालीमी वजीर उनको इजलास उन इजलास में एस ओ पी तहत सेप्टेंबर के पहले हफ्ते में तालीम इदारा खोलने का फैसलो किया है। इम्तिहान वठण जो फैसलो भी एस ओ पी तहत करण ते गौर किया वो इन पूरी सूरताल से गालाइंदे असा नसीर मेमन साहब से। नसीर मेमन साहब यो बुधायो त एस ओ पी तहत इदारा सेप्टेंबर में खोलने का फैसलो थियो आ यो बुधायो त जेके मासूम बार आइन छा उहे एस ओ पी ते अमल करे सकंदा यो फैसलो केतरो दुरुस्त आहे? पहले तो यो तालीम इदारा खोलण न खोलण यो तो निजी सूबाई मामलो आ मुखे खबर ना तो वफाकी वजीर अड़ी मीटिंग छोको कन्वीन करे और सूबो पंजे हालत नार फैसलो कंदो आई ही त सजो कोरोना जे मामले ते सजी खल्क सा एकडो वडो कूड़ चो गलाया वने हाने मुखे मजर सा ये लफ्ज मुखे चवणा सा पण मां नसीर साहब इन में एड भी कंदो ला एकडी गाल नसीर साहब इन में नंडी एकडी गाल एड कंदो ला त यो जको फैसलो थियो आ वफाकी वजीर जे सदारत हेट उन खा पो यो चयो आ त असा इन फैसले जी तौसीक एनसीओसी खा भी कराइंदासे। इवन वो इदारो मजाज ना है ही सूबे के अंदर सूबा पंजे हालतों में तय कंदा तो स्कूल खोलन या तलीमी इदारा तो उनमें यूनिवर्सिटीज बाहन उनमें कॉलेजेस बाहन वे कड़ी लेवल से खोलींदा कड़ा एस ओ पीज हूं मुझे कड़े बे शोबे में एस ओ पीज से अमल दरामद कर बुधाए वे इंडस्ट्री खोलन कड़ा एस ओ पीज था हलन मार्केट खुजा कड़ा एस ओ पीज पे हलन इबारत गाँव खुलूँ किथे तुम एस ओ पी हल्द रिठा एस ओ पी तो एक मस्करी थी वही हाँ मुल्क में यो तो लफ्ज बुधी हाँ मूँ खिलंदा अस मथा दुनिया में कई मुल्क रिसेंटली थो तो वरी उतने रिवाइवल थियर लॉकडाउन कर शुरू क्या इतने मानू के यो चवण तो हाँ तलीमी इदारा खोलो एस ओ पीज के थ्रू खोलो पहली गाल तो यो ना बुधा तो कड़ी लेवल जहा तलीमी इदारा खुलता इतने तो एक एक क्लासरूम में जिते पंजवी या वी बार वेहन घुर्जन उत सौ सौ बार बुतल हूं तब यूनिवर्सिटी में वही दिसो यूनिवर्सिटी के अंदर अमर इनाम भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ान था सौ सवा सौ बार क्लास स्टूडेंट जहा क्लासरूम था किथा एस ओ पी हलदा केर रोज मास्क पाए इंदो किए मुख्य प्रैक्टिकली यह गाल समझ में नी अचे मां जोड़ी चाह तो पोजो हल निकल घुर्जे छो हाँ तलीम के तिगेर से बंद कर ना सो उनका के हल हल निकल घुर्जन पर यो अक्रॉस बोर्ड चई छण तो हाँ यो स्कूल खोली वा हिंसर सिचुएशन ये मानून के मिसरिप्रेजेंट था कन गलत था बुधन तासुर था जन तो खत्म तो रोज की फिक्र से ऐसो पचहत्तर का सव के विच में डे तो अज भी रिपोर्ट पे थी थे सिर्फ रिपोर्टेड केसेस कल या टो ढी डॉन में एडिटोरियल आ लाहौर ए कराची के ग्रेवयार्ड्स की डेटा बुधाई थी पुछे साल के इन महीनों से डेटा कंपेयर की डेथ पार्टीज उत दफनाजन पे थी मू अस्पताल में डेथ थे पी घर में डेथ थे पी अस मानून का इतना तो बुधू था खबर नी पे उ रिपोर्टेड केसिस ही कोन के वही वबा पकड़ी पी आकतरी हजार में वी हजार से टेस्टू खी आया अंग घटाए मानून के कंके बेवकूफ सा बनाया एक सदी में मुझे तो समझ में न सोचे ये सीधो सो मानून के खोले चई छन तो बाबा कारवा हलो जीण मरण तुम जानो तुम अलाज आने अस ना तक बंद कर चाहूँ बाकी हाँ ये मीटिंग थी फलाने फोरम इट्स ऑल नॉनसेंस मुख्य को फायदो को नजर अचे अगे ही मुल्क में इन वबा मानू जो जिंदगी पे थी वटे अस्पताल भर पे वेठा मानून के बुधन अद बेड खाली इन फलान मानू अस्पताल के लिए बेड ना मिलन धिका बेड़ा खाने ये कड़े मुल्क जो गाल कन था टोटली मिसलीड कन था मानून के तलीमी इदारन के खुलने की सूरत में मुख्य तो शिकायत वो नुकसान थो ईद से मार्केट खोले नुकसान दिखो हो हाँ वरी तलीमी इदारा खोली यंग जनरेशन सजे के मौत के मोहना दिखी को भी बुनियादी इंतजाम कोन को भी एस ओ पी को हली का तैयारी कान्ह यो तो वो रिस्क हों वो नुकसान थो यो चवड़ा नसीम मेमन साहब जी अमर सिंधु साहब किए था इन फैसले के मासूम बार खां एस ओ पी ते अमल किए करा सकबो तो माना अना वही गल पर हकीकत यह है तो जे फैसला पे थे अस पाकिस्तान में को भी इदारो उन्होंने नतीजन की जिम्मेदारी करने ला तैयार थो फैसला जैमें लॉकडाउन खत्म करण हो फैसला जहाँ ईद का अग में जहाँ सब शॉपिंग मॉल खोलण जहा हुजन उ फैसला जो अज भी थो तो सभी जैसे मार्केटू तो माना खोले छो कें भी सेहत वे इदारे के खास तौर से झले वो उसे मार्केटू खोल उनकी मुखालफत न करें तो सवाल यो है तो उन पैदा थन्दड़ जहाँ भी जहाँ सूरत हाल थी जे भी कोरोना जो फैलाव थो पाकिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमतन का वेंदे अदालतन ताई अदालतन का वेंदे जहाँ सूबाई हुकूमतन ताई सूबाई हुकूमतन का वेंदे सेहत खाते ताई को इदारो मुख्य बुधा
उन तैयार है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी खड़न लाइ रेस्पॉन्सिबिलिटी आवाम की होंगी है जो मरंद रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है जैसे तुम पे पॉलिसीजी जहाँ उन बचाव में उनके मौत के मुंह में दियो था वबा के मुंह में दियो था हकीकत ही गाल वक्त जो पाकिस्तानी हुकूमत जड़े मसनू तरीके से अंग घटाने की कोशिश कई है ओतरे ही माना जहाँ हकीकी तौर से वो कोरोना जो फैलाव सजे पाकिस्तान के अंदर वींदे गोठ गोठ ताई जो सो पकड़ो है न रुगो पकड़ो है पर वो वही जहाँ बहरानी से मू मारे रो है मां नथी समझा तो असाजे आसपास असाजे पंजे माना उन्हें मां को मानू अड़ो बचल हों जे आसपास अड़े किस्म की का मौत नथी हुए उन बावजूद जैसे विफाकी सरकार एक बे के मुबारकू थी दिए असद उम्र मुबारकू तो दे एतरी नथी आज तो मां पढ़ी जहाँ हैरान थी वही जे कोर्ट जहाँ भी जे से डिसीशन आया हकीकत ही है कि मानुन के मरण के लिए दरवाजा खोलिया वन उन यकीन जहाँ यह जिम्मेदार स्कूल इंतजामिया या उन मासूम बार उन शागिर्द जैसे एस ओ पी अमल कर ना पर गाल एस ओ पी जी नसीब साहब चाहिए क्लास के अंदर बार बीहण की जगह कान्ह नंढड़न कमर में अमल कर मुमकिन न हों जी सुहेल सांगी साहब कें ऐसो इन फैसले के स्कूल जैसे सेप्टेंबर में खोलने फैसलो किया है मासूम बार एस ओ पी से अमल कर सकता पहली गाल इन आदमी केतरा दफा उन मीटिंग कई है तो भाई तुम कदें इम्तिहान वो कदें दाखिलाओं कर असल में सजो जो यो कोरोना रिलेटेड वे शन उन्हें मौके से मतलब ही उन्हें जो फायदो था वन तो खुद तैलीम के हवाले से उन्हें जो सूबन जो अख्तियार वो जो वफाक कब्जे में वे उन सभी जो अटैम्प्ट कई है वह यह है बे नंबर से जहाँ यह है कि भाई हम जो के कोरोना आए ना केतरो तो पकड़े की उन्हें के बारे में को तू या बो को खमीशो का नो बुझा सके ये प्योरली मतलब डॉक्टर बुझा सकन यो मेडिकल जो मामलो ये जे भी एक्सपर्ट डॉक्टर जे भी इनमें अस्पताल उन्हें किस्सो है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन उन्हें किस्सो है वो बुझा सकता तो सेप्टेंबर माना अज का जड़ो अढ़ाई महीना को सूरत हाल होंगी तो या ही रुगो जो प्रेजेंटेशन जो ग्राफ खाइंदा उन्हें एतरा थी हाँ सेप्टेंबर नहीं थी तेज कर ही कर यो को किस्सो इन कोने भाई यो को कें कंप्यूटर की प्रोजेक्शन को किस्सो को हम तुम उन माओं का वो उन इदार वो जिते ना जो यो कम है अने कोरोना के पकड़ने के नतीजे में सिर्फ यो भी थो है जो आम मानू आ वो भी अस्पताल में डॉक्टर जो अस्पताल खड़न ला तैयार न थी थन जो खड़न थी चंगा पे भाव तुझी टेस्ट थी उतने जो सो घट में घट अरसो रहे थे तो तुके अंदाजो है तो इन कोरोना के करे खुद जो ओवरऑल जो आम मेडिकल फैसिलिटीज हैं हॉस्पिटल्स में उतरू घटू तमाम घड़ी घटी गयी जो फिगर डॉक्टर जो इन में या जो अस मेडिकल इन स्टाफ से रिलेटेड दोस्त उन्होंने उन्हें जैसे फोटू थी वो अंग आई बिना से ही चाहन तो बाकी रहल कसर जहाँ है वह इतना पूरी करनी है इन बार शागिर्द उस्ताद असूल के बच्चन में तो हम कड़ो एडो भर वो फैसलो आए बाकी रही गाल कॉलेजन यूनिवर्सिटी जहाँ जन थे उहर मुल्क में भी थन पा ऑनलाइन क्लासेस थन पा ऑनलाइन जो उनका इम्तिहान थन पा वे तो थी सकता तो गाले स्कूल जहा भी इम्तिहान तुम प्रोमोट कर सिंध गवर्नमेंट तो कर उनके मेट्रिक तीन तो करे फर्स्ट ईयर इंटर तीन यारह बारह जो भी कर हाँ इनमें अड़ी कड़ी कारीगरी करा चाहिए चवना है तो यो बेहतर फैसलो ना है कड़ी भी तरह से जी इनाम बड़ी साहब छा चंदा ता अनिल कल स्वीडन जो एकड़ो फैसलो आयो स्वीडन में कुछ दिन पहरियों बल्कि महीनों खन पहरियों शायद उनन एसओपीस जे जरिए रेस्टोरेंट खोलन जो ऐलान कयो पोते रेस्टोरेंट खुलिया मानु डठो
मीडिया ते सोशल मीडिया ते भी काफ़ी अड़े किस्म जहाँ होटल आया जिन में देखारे पे परे परे मूल डिस्टेंस से वेठा क्या डिस्टेंस सर्विंग थे थी कड़े तरीके से कल स्वीडन उ सब पा रेस्टोरेंट्स बंद कर छा तो उन अमल नो थे दुख्य तेज अड़ो रिस्क ना खूँ जो मानून के इजाजत दूँ तो रेस्टोरेंट्स से वन सागे ही तरीके से उ जिन भी मुल्क अड़े किस्म की शे कई है जैमें जैसे नुकसान नजर तो अचे तो वापस रिवर्स बेक था कर पर इतने असानी हालत यह है तो ही रोज दिसन था एस ओ पीस जो ऐलान कर शूँ खोलन था वरी पा ही चवन था मू एस ओ पीस से अमल ना कन पर वापस रिवर्स फैसले कर तैयार ना हुकूमत जो कम यो हों जैसे दिसे तो तवाम के उन भले त बेहतरी के लिए या जो भी चोता मुआशी हालत के लिए मानून के भुख मर ना छन चाहो चाहो था तो रोजगार हल एस ओ पीस तो दुकान खोलन जैसे अमल नो थे तो फैसलो रिवर्स कर इतने वरी हाँ नो एक पेंडोरा बॉक्स खोलन था स्कूलन जो स्कूलन जो जे यूनिवर्सिटीज आन उन में उन अक्सरियत उस्ताद की उम्र जैसी 50 साल का मथे आंतहाई वल्नरेबल हूँ मुख्य बुधाओ तो केर उन अश्योर क तो वो अचन उन तालीमी इदार में अच्छी पढ़ाएन जिते उन यकीन ही न हो तो जे बार इंदा तो उन्हें को उन्हें मुंतकिल नी कोरोना नंबर बो वरी लोअर हेठी लेवल से जो प्राइमरी जहाँ बार या हेठी सितर जहाँ वो बार उन्होंने एस ओ पीस से कि अमल कराइंद बार जे हिंसर घर में महफूज हैं तेजे कर बचल जैसे बार अलाउ कौ तो ट्रांसपोर्ट में भी वन स्कूल में भी वन वो वापस भी अचन ट्रांसपोर्ट में वरी घर भी अचन तो उन में कें बार गलती थी उतना का शे मुंतकिल थी तो कें खबर पवी ए बो मुझो यो है तो वालदेन एडो रिस्क खणंदा छा वालदेन जिनका बार नंढा नंढा उन्होंने यो रिस्क खणंदा तो बार स्कूल मोकलन घट में घट मुझे ला तो यो तमाम दुख्य डिसीशन हों तो आँचे बार अड़ी कंडीशन में अलाउ क्या तो वो स्कूल वे जिते मुख्य खबर है तो 99% बया बार एस ओ पीस से अमल न कंदा ए खुद वरी स्कूल इंतजामिया जेका है उनते का भी अड़े किस्म की सख्ती न कर सकती तो हुकूमत बजाय इन किस्म के ऐलान करण के अंगन अखर से वेही करे गालाए तो इन वक्त असो रेशो ग्राफ घटजन शुरू थो जैसे बेहतर पोजिशन है कड़न कड़न एस ओ पीस से अमल करण के कर मुल्क कौम में तमाम वो शऊर अची वो जो उनते अमल करण शुरू कंदा तो तेजे कर असने मानून में ढो शऊर अची वो हाँ हर मानू वट घर में सैनिटाइजर हथ में खो तो अत मास्क खो तो अत सी के पारा पो तो अमल कर असं तो जेडी मल शहर था वो उतूँ था दुकानदार बगैर मास्क के सर्विस करे तो खरीदार भी बगैर मास्क के दुकान पर बीठो अचो ठीक है हालत साहब तुम चवण है तो यो फैसलो बार जिंदगी खतरे में विझण के बराबर है नाजरीन तुम मेहमान जहाँ राय बुधा प्रोग्राम जो वक्त पुजाणी के पोतो असाजाजत अल्लाह वाही।